लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था चाइना के फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो वो वीडियो एक काफी अच्छी वीडियो है जो कि आप जाके चैनल पे देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईए के बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। तो अब एनआईए का ओरिजिन कैसे हुआ था हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि एनआईए काम किस किस बेसिस पे करता है, इसके साथ ही साथ एनआईए को प्रॉप कैसे मिलते हैं, मतलब जो केसेस होते हैं एनआईए को कैसे मिलते हैं, एनआईए की कोर्ट कौन सी होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और एनआईए का सक्सेस रेट क्या है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली कि उदयपुर और अमरावती में जो किलिंग हुई है उस किलिंग का केस एनआईए को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दे दिया है। तो इस वीडियो का मेन रीजन हमारा एनआईए को डिस्कस करना है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में जानना है होता क्या है, काम कैसे करती है। तो अगर हम लोग एनआईए के ओरिजिन की बात करें तो जब 26/11/2008 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था तब गवर्नमेंट थी यूपीए की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, और उनके होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। नवंबर 2008 में ये अटैक हुआ और दिसंबर 2008 में एनआईए बिल को प्रपोज किया गया और इसको पास कर दिया गया 31st of December 2008 में। तब से एनआईए एग्जिस्ट करता है। और टोटल अगर एनआईए के केसेस की बात करें तो टोटल एनआईए के केसेस 447 केसेस है एनआईए के पास। एनआईए होता क्या है, एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंटर टेररिस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो कि इंडिया की सॉवरनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करती है। इनका बेसिकली काम होता है कि ये फ्रेंडली रिलेशन रखें फॉरेन स्टेट्स के साथ, उसके साथ ही साथ ये लोग चेक करते हैं कि एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई आर्म्स की स्मगलिंग करता है, ड्रग्स करता है और फेक इंडियन करेंसी चलाता है तब एनआईए काम आती है, वो केस एनआईए को दिए जाते हैं। जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होती है या एग्रीमेंट साइन होता है तब एनआईए काम आता है, मतलब किसी भी देश में अगर किसी पुलिस फोर्स को जाना है तो वो एनआईए जा सकती है। अब बात करते हैं कि एनआईए के पास केसेस कैसे आते हैं। तो पहला जो केस आता है एनआईए के पास वो आता है रेफरल के थ्रू। ये रेफरल स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट एनआईए एक्ट के सेक्शन 6 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये केस एनआईए को सौंपा जाए अगर केस में शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एनआईए को केस सौंप देती है जब भी कोई सा भी केस में शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ होता है। अब शेड्यूल्ड ऑफेंस होता क्या है, तो शेड्यूल्ड ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि केवल एनआईए सॉल्व करती है। इसमें कुछ लिस्ट आती है, पहला आता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, अगर कहीं मिलता है तो एनआईए आएगी वहां पे। एटॉमिक एनर्जी, अगर एटॉमिक एनर्जी के अंदर कुछ हो रहा है तो एनआईए काम आती है। अनलॉफुल एक्टिविटीज अगर हो रही है तब एनआईए काम आएगी, हाईजैकिंग के लिए एनआईए काम आएगी अपनी। और इसके साथ ही लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है, ये सारी लिस्ट कि अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो ये सारी लिस्ट के अगर ऑफेंस हो रहा है तो एनआईए हमारी काम आएगी। दूसरा तरीका एनआईए को केस मिलने का होता है सैंक्शन के थ्रू। अब एनआईए अगर देखती है कोई भी एक्यूज्ड है शेड्यूल्ड ऑफेंस का तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है अंडर UAPA, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत सेक्शन 45(2) के तहत वो रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये केस एनआईए को सैंक्शन किया जाए। अब एनआईए के कोर्ट के बारे में उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो एनआईए का एक स्पेशल कोर्ट होता है जो कि एनआईए एक्ट 2008 के सेक्शन 11 और 22 के अंतर्गत आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जज अपॉइंट करता है इस कोर्ट का, और ये जज अपॉइंट होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हम लोग अगर एनआईए के सक्सेस की बात करें तो 2012 में एनआईए ने अरेस्ट किया था अब्बू जिंदल को जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसके साथ ही 2013 में इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट को अरेस्ट किया था एनआईए ने, और आपको 2013 का ही कांग्रेस पे जो अटैक हुआ था नक्सल्स लोगों ने किया था वो केस भी एनआईए को दिया गया था, और एनआईए ने आइडेंटिफाई किए थे 2 नक्सलाइट कमांडर को। अब देख सकते हो कि एनआईए के केसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और एनआईए के स्पेशल कोर्ट इनकी हियरिंग बहुत जल्दी करते हैं। साथ ही साथ जो ऐसे जो शेड्यूल्ड ऑफेंस जो एनआईए सॉल्व करती है उसकी लिस्ट हियरी। तो आपको पता चल चुका है इस वीडियो में कि एनआईए होती क्या, एनआईए का फॉर्मेशन कब हुआ है, एनआईए काम क्या करती है, एनआईए को केसेस कैसे मिलते हैं, एक रेफरल के थ्रू आता है,
और एक सैंक्शन के थ्रू आता है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट के जज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करती है, अपॉइंट करती है। इसके साथ ही साथ एनआईए की सक्सेस स्टोरी भी बहुत अच्छी है कि एनआईए ने हमारे देश को हमेशा अटैक होने से बचाया है।